एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम भव्या बेकर्स। आई होप आप सब लोग का आने वाला साल बहुत अच्छा जाए, जो पीता हुआ साल है वो भी अच्छा गया हो, आपने बहुत अच्छे से काम किए हो, आने वाले साल के लिए आपके लिए बहुत अच्छे से प्लान्स हो, आपके बहुत अच्छे से प्लान्स हो जो आप फुलफिल भी कर पाए। साथ ही साथ आप लोगों ने कुछ रेजोल्यूशंस भी करे होंगे ना, सब लोग करते स्टार्टिंग में, तो अगर आपका मन करे तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइए, मैं उन्हें रीड करूंगी और साथ ही साथ अपने रेजोल्यूशन भी शेयर करूंगी। फिलहाल मुझे साल का लास्ट दिन है तो केक के ऑर्डर्स मिले तो वही मैं बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर भी कर दूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और देखते रहिए कि मैं कैसे क्या क्या कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने क्रीम यहाँ पे व्हिप करके रखी हुई है, बैचेस में करूंगी, एक साथ ही सारा नहीं करूंगी। स्पॉन्जेस भी मेरे बेक हो चुके हैं फ्रेशली, आज ही मैंने किया है, मैं तुरंत तुरंत ही करती हूँ, और सब क्रश वगैरह सब कुछ असेंबल है। अब चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए पहले मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं 1 किलो वाला केक पहले उठाऊँ या आधा किलो वाला। तो मैं आधे किलो वाले स्पॉन्ज की स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ। तो मैं डायरेक्टली इस पर करती हूँ, फिर मैं उसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले इस पर क्रीम लगाऊंगी ताकि वो स्टिक रहे, इधर उधर ना हो, एंड उसको उल्टा कर दूंगी और लूँगी अपनी पहली लेयर। ये प्रोसेस तो आपने बहुत बार देखा हुआ है, मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ तो वो बोरिंग ना हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा इसको नहीं एक्सप्लेन करूँगी एंड बस इसे करती जाऊँगी। फिलहाल आप लोग मुझे कुछ बताइए कि आपका क्रिसमस कैसा गया, न्यू ईयर के क्या प्लान्स हैं, आने वाले साल में आप क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे क्या करेंगे, एवरीथिंग। और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए, कुछ लाइक करिए, मतलब एक्टिविटी करके जाइए कुछ कि हाँ भाई कुछ तो एक्टिविटी करके गए हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ, पर चलो बातें करने के चक्कर में गड़बड़ हो गया काम। देखा, प्रैक्टिस के साथ साथ ये सब काम बहुत ईजी हो जाए। पहले आप लोगों को स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगेगा कि भाई कैसे करूँ, मुझे तो हो ही नहीं रहा, ये वो मेरे साथ बहुत होता था, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ सब आ जाता है। फिर डालेगा क्रश, ये पाइनएप्पल फ्लेवर का है तो पाइनएप्पल क्रश डाल रही हूँ मैं। लिए अब ये फाइनल लेयर ऊपर आई है, कितना क्यूट लग रहा है ना। आप लोग बताइए कि आप लोगों को बेंडो केक्स पसंद आते हैं ज्यादा, या बड़े केक्स पसंद आते हैं, या क्यूट क्यूट मिनी केक्स पसंद आते हैं। मुझे तो मिनी केक्स बहुत अच्छे लगते हैं, जितने नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं मुझे तो मिनी केक बहुत अच्छे लगते हैं ना। उसमें वेस्टेज होती है ना, उसमें बचता है कि आपको नेक्स्ट डे रखेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे अजीब सा टेस्ट हो जाता है, तुरंत काटो, तुरंत खाओ, तुरंत खत्म। परफेक्ट। अब इसको साइड से ऐसे करना है आपको और इसको उठा के इस पर रख देना, फिर इसको ऐसे दबाना और इसको बाहर निकाल देना। ओके, लग रहा है अगर सेंटर में नहीं तो थोड़ा सा इसे आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया, और इसको मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि हल्का सा इधर होना चाहिए। अब इसे सेट होने के लिए रख देते हैं। अब हम लोग करेंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की फिलिंग, सो रिपीट करते हैं प्रोसेस अपना। बहुत बड़ा पंगा हो गया मेरे साथ, मुझे सारे केक्स अपने ऐसे ही डेकोरेट करने पड़े विदाउट वीडियो, क्योंकि ये स्टोरेज पूरा फुल हो गया था एंड इस फ़ोन में एसडी कार्ड एक्सटर्नल आप नहीं लगा सकते हो, जिसकी वजह से आपको बस होता ही पार्ट देखने को मिलेगा। फिर आपको डायरेक्टली मैं ये दिखा रही हूँ कि मैं
क्या बताऊँ मैं, बहुत न्यू ईयर अच्छे से बन गया मेरा। केक तो बहुत ब्यूटीफुल बन रहे हैं बट स्टोरेज का इशू हो गया, और ये वीडियो भी कब रुक जाएगी मेरे को नहीं पता, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा।